रजिस्टर नहीं किया है तो भी नो कर दीजिए तो भी आप अलाउड हैं अगर आपने कर दिया है तो भी आप अलाउड है हर केस में आप लोग अलाउड हैं आने के लिए ठीक है उसके ई मेल आई आईडी डालनी है यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट नंबर डालना है सिटी एंड स्टेट डालना है करंट जो है करंट रैंक आपको डालना है जो आपका रैंक है अगर आप लोग बिल्कुल नहीं अभी अभी आप जैसे किसी पार्टनर को या फ्रेंड को लाना चाहते हैं इस प्रोग्राम को दिखाने के लिए ठीक है ना फ्रेंड को लाना चाहते हैं तो उसको तो आपने रजिस्टर भी नहीं किया है तो आप रजिस्टर कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है सिस्टम का पार्ट हो जाएगा वो व्यक्ति भी तो आप आराम से आएंगे तो अच्छा रहेगा और अगर नहीं भी किया है और आप लाना चाहते हैं तो भी आप ला सकते हैं ठीक है करंट रैंक आपका क्या है आप ला सक, यहां डाल सकते हैं क्या आपने एवोसेंट का पैकेज खरीदा और नो ये आप बता सकते हैं आने से पहले और कौन सा एवोसेंट का पैकेज आपने खरीदा मतलब कितनी पचास यूनिट वाला सौ यूनिट वाला तीन सौ यूनिट वाला छे सौ या बारह सौ कोई सभी आपने जो खरीदा है वो आप इसमें डाल सकते हैं और आप इसको सबमिट करेंगे तो ये क्यों कराया जा रहा है इसके पीछे इसके पीछे रीजन है इसके पीछे लॉजिक ये है कि ल, लोगों को पता कंपनी को पता लगेगा या बैकग्राउंड में लोगों को पता लगेगा कि बैकग्राउंड में लोगों को पता लगेगा कि कि जो है आ, मतलब कंपनी कंपनी के गंपनी में पता लगेगा कि कितने लोग आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए और जितने लोग आएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए कंपनी अरेंजमेंट उसी हिसाब से करेगी जो यहाँ मैनेजमेंट है वो अरेंजमेंट उसी हिसाब से करेगा कि इतने लोग अरेंजमेंट होगा और अरेंजमेंट में मैं आपको बता देता हूँ कि जो है मॉर्निंग में जब आप आएंगे तो टी और कुकीज होगी वहां पर आप लोगों के लिए और उसके बाद आफ्टरनून में लंच होगा लंच का प्रोग्राम रहेगा और जब इवनिंग एम, में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा साढ़े पांच बजे के बाद तो फिर से टी और कुकीज की व्यवस्था है तो आप लोगों का पूरा स्वागत है सारे पूरे भारतीय पार्टनर सारा इंडियन समुदाय आप लोग आइए प्रोग्राम को सुनिए अपने सीओ को लाइव देखिए लाइव सुनिए और जानिए कि एवोसेंट अब क्यों आया है और क्या जरूरत पड़ी है इसको लाने की तो मैं जहां तक मैं समझ रहा हूं मैं समझ रहा हूं इस एवोसेंट को लाने का क्या वजह था एवोसेंट की वजह यह थी कि एक तो सबसे पहली बात लोगों को अभी तक यह समझ में नहीं आ रहा था कि हम सेल क्या करें क्योंकि सेल करने के लिए कुछ नहीं था तो एवोसेंट का आना बहुत जरूरी था दूसरा एवोसेंट को जो है मार्केट करना बहुत इजी है मैं अगर आप अब मैं, आप, मैं पूरी प्रेजेंटेशन पे नहीं जा रहा हूं लेकिन मैं अब बहुत जल्दी दो चार दिन में ये, ये इवेंट ये। हो जाए दो तारीख वाला उसके बाद हम लोग फुल बूम में हम लोग प्रेजेंटेशंस करेंगे आप लोगों ने मेरी अभी बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन एवोसेंट के ऊपर नहीं देखी होंगी क्योंकि यहां इवेंट को मैनेज करना फिर मणिपुर में मैं था और दिल्ली में काफी दिन से आया हुआ था तो सारी चीजें तो इन सब चीजों को करने में थोड़ा समय लग रहा है तो एवोसेंट को लाना मतलब मार्केट करना कितना इजी है आप देखेंगे दुनिया में लॉरल जिलेट या जो बड़ी बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है परफ्यूम उनका वन ऑफ द मेन हथियार है परफ्यूम हर ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज बेचती हैं लेकिन हमारा परफ्यूम क्यों स्पेशल है क्योंकि हम लोग उसके साथ एवोसेंट टोकन दे रहे हैं और उस टोकन को जैसे सीआरयू में डिलेज हुए वो चीजें आप लोग एवोसेंट में डिले नहीं देखेंगे हालांकि सीआरयू भी हमारा एक बहुत अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और सीआर uh, को आप लोग अभी सक्सेस होते हुए देखा भी है आप लोगों ने अभी पि पिछले एक महीने के दौरान ने, सीआरयू ने बहुत अच्छा मूव लिया है चालीस पैसे तक सीआरयू का जो लोएस्ट uh, प्राइस आ गया था लेकिन अभी वो तीन से चार रुपए तक भी प्राइस पहुंचा और अभी तो एंटायरली क्रिप्टो मार्केट डाउन है अभी आपने देखा होगा रशिया और यूक्रेन के विवाद के बाद और वॉर के बाद पूरी क्रिप्टो मार्केट और पूरी क्रिप्टो मार्केट धड़ाम हुई है ठीक है तो उसमें भाई हमारी भी करेंसी नहीं बच पाती तो उसमें आप लोगों ने देखा लेकिन आने वाले टाइम में जैसे कि पीछे बताया गया है कि अपने आर्मन मुंड्रिक जो है उन्होंने पीछे बताया एक मिनट हाँ जी तो जो आर्मन मुंड्रिक्स हैं आर्मन मुंड्रिक्स हैं जो है आर्मन मुंड्रिक्स जो पीछे उन्होंने क्या मैं भूल ही गया क्यों हारमन मुंड्रिक्स इतनी चीजें चल रही हैं आर्मन मुंड्रिक्स का नाम मैंने नाम क्यों लिया था जरा कोई याद दिलाएगा मुझे मैं भूल गया चलिए तो हां तो इसको ना मार्केट करना इतना इजी है क्योंकि दुनिया की बहुत सारी कंपनी जो है वो एवोसेंट प्रोडक्ट को Uh, मतलब सॉरी परफ्यूम जो प्रोडक्ट है उनके पास एक बहुत मुख्य हथियार के रूप में होता है और एक बहुत अच्छे मार्जिन वाला प्रोजेक्ट है ठीक है ना हालांकि हमारे पास हमार, हम हम लोग ब्रांड कॉन्शियस है हमारी कंपनी ब्रांड कॉन्शियस है वो आपने नोटिस किया भी होगा पिछले तीन से चार साल में जो लेवल कंपनी का है जो एजुकेशन का लेवल है जो वेबिनार सेमिनार्स का जो लेवल है बारह भाषाओं में हम लोगों के साथ प्रोग्राम होता है वर्ल्ड में अच्छी अच्छी कंपनीज जो भी होंगी नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी लैंग्वेज में मैं नहीं समझता आज तक किसी कंपनी का आप लोगों ने प्रोग्राम सुना होगा देखा होगा हाँ हाँ तो आर्मेट की बात क्यों आ रही थी। तो आर्मन मुंडिक्स ने पीछे बहुत मेहनत की है बहुत सारा उन्होंने चीजें डेवलप की है और देखिए मेहनत का नतीजा मैं आपको दिखाता हूं कि उन्होंने अभी क्या मेहनत करी है ये देखे। ये देखिए देखिए तो ये है ये हमारा चैनल है और इस चैनल में आप ये देखेंगे इस चैनल को प्लीज जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है प्लीज इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए अगर आप लोगों ने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है प्लीज इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए है ना मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर ये लिंक भी दे देता हूँ कॉपी लिंक मैंने कर लिया और मैं आपको लिंक दे देता हूँ जिन लोगों ने अभी भी चैनल को ज्वाइन नहीं करा है जस्ट अ मोमेंट जस्ट अ मोमेंट

बहुत ज्यादा आगे ले जा रही है और सोशल मीडिया यानी टेलीग्राम और ट्विटर पर हम लोग आ चुके हैं आज के डेट में और आप देख रहे हैं ये मात्र एक से सवा महीने डेढ़ महीने के अंदर अभी तो काफी मैक्सिमम लोग ज्वाइन हो चुके हैं जो लोग टेलीग्राम को यूज करते हैं या लोगों तक बात पहुंच चुकी है तो इस बयालीस हजार की एक्टिव लोगों को देखकर और देखिए चौबीस लोग ऑनलाइन है ये भी एक बड़ी बात है मतलब ये ये आर्टिफिशियली क्रिएट करा हुआ नहीं है तो इंटरनेशनल जो समुदाय है ना ये सब चीजों को बहुत नोटिस करता है इंटरनेशनल जो हमा, जो हमारा कम्युनिटी है जो क्रिप्टो कम्युनिटी है जो जो क्रिप्टो कम्युनिटी है ना ये बहुत नोटिस करता है ये चीज कि, कि मतलब कौन सी कम्युनिटी कितनी एक्टिव है वहां पर सिर्फ नंबर ऑफ यूजर दिखाने के लिए तो नहीं करे गए हैं कितना इंट्रेक्शन हो रहा है उनका आप, आपस में ठीक है ना ये चीजें बहुत नोटिस की जाती है आ, जो है विश्व की बरादरी के मतलब विश्व की जो बरादरी है वो इस चीज को बहुत नोटिस करती है तो जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनकी निगाह रहती है टेलीग्राम ग्रुप पे और वो लोग टेलीग्राम्स के जो एडमिन होते हैं उनको अपने आप कॉन्टेक्ट करते हैं कि आपकी कम्युनिटी इतनी एक्टिव है हम आपके कॉइन्स को अपने एक्सचेंज पे लेना चाहते हैं हम चाहते हैं कि आप जो है हमारे एक्सचेंज पे आए और हमारे एक्सचेंज पे आकर अपने कॉइन को लिस्ट करें तो आने वाले टाइम में आप सीआर और यूएन टीबी को और दूसरे तीसरे चौथे एक्सचेंज पे देखेंगे और आर्मन ने बहुत पहले ये वाली बात कही थी शायद एक से डेढ़ महीना पहले ये वाली बात कही थी कि हम लोग बहुत जल्दी हर एक महीने के अंदर हम लोग हर हर एक महीने के अंदर आप लगभग एक से दो एक्सचेंज पे हमें आप एंट्री होते हुए देखोगे ठीक है ना तो आप आर्बन मुंड की बात को बहुत सीरियसली लीजिएगा और हम लोग को सीआर यू, और यूएन की भी आगे लिस्टिंग और एक्सचेंज में देखेगी तो हाँ ये बात इससे शुरू हुई थी कि आर्मन ने बोला बताया था कि और आंधे सर ने भी वाली बात बोली है कि जितना मेहनत हमें सीआरयू को सीआरयू को लेके आने में हुई है हम लोगों से ठीक है ना उतनी मेहनत उतनी मेहनत हमें इसमें नहीं करनी पड़ेगी उसके बहुत सारे रीजन है एक तो ये प्रोडक्ट बहुत इजीली सेलेबल है ये प्रोडक्ट एजुकेशन तक इजीली सेलेबल नहीं था यह प्रोडक्ट बहुत ईजिली सेलेबल है ऑलरेडी इस प्रोडक्ट के करोड़ों करोड़ों अरबों जो है कंज्यूमर्स ऑल ओवर वर्ल्ड है परफ्यूम किसको पसंद नहीं है सुगंधित स्मेल किसको पसंद नहीं है ठीक है ना और ये ब्रांडेड परफ्यूम है क्योंकि रेमन बिहार एक दुनिया में एक बहुत बड़ा ब्रांड है हम लोग उसको साथ में लेकर आए हैं ठीक है और हम लोगों की जो कार्य योजना है बहुत जल्दी बहुत बड़ा मार्केट ग्रैप करने की है क्योंकि हम लोग आ, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग अपना खुद का प्लांट सेटअप करेंगे हम लोग जो बड़े बड़े ब्रांड्स मार्केट में बैठे हैं उनके साथ टाई अप करके हम उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अपने साथ अपना अपना जो फॉर्मूला हमारा जो एसेंस है जो रेमन बिहार का जो फॉर्मूला और एसेंस जो उन्होंने बनाया हुआ है उसको उसको देके उस फॉर्मूला को देकर हम लोग एक्सक्लूसिवली अपना परफ्यूम हम डिजाइन कराएंगे और हम उसको करेंगे एक्सक्लूसिवली मार्केट जो है उसको एवरेज करेगा ठीक है ना एवोसेंट परफ्यूम को So, तो ये बड़ा इजी प्रोडक्ट है मार्केट करने के लिए और जैसे सीआरयू को आने में थोड़ा सा समय लगा आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया एवोसेंट को ऐसा समय नहीं लगेगा क्योंकि पिच तैयार है ग्राउंड तैयार है सारा मैनेजमेंट तैयार है ठीक है यूनिटेक्स uh, हमारे पास तैयार है क्योंकि यूनिट डॉक्चेन हमारे पास तैयार है हम दस चरण के बाद आप इसे बहुत जल्दी देखेंगे दस चरणों के बाद इसे मार्केट में लॉन्च हुए ठीक है और और अभी आर्मन मुंडिक्स ने कल क्लोज क्लोज मीटिंग मीटिंग करी थी और उस में बताया था कि पी बहुत, तो बहुत सारी गुड न्यूज एक साथ आ रही है ठीक है और देखिए इस गुड न्यूज को मेरे से मत सुनिए मैं ये चाहता हूं इस गुड न्यूज को आप अपने सीईओ से ऑनरेबल सीईओ से मिस्टर एंड्रियो फेड्रोविच खू उनके, उनके श्रीमुख से डायरेक्ट सुनिए दिल्ली में आइए दिल्ली के प्रोग्राम में आइए सब लोगों को लाइए ठीक है लेकिन मैंने जो आपको प्रोसेस बताया है इसमें चैट में दिया भी हुआ है भावना मैम ने इसको शेयर किया है ये गूगल फॉर्म है इस फॉर्म को करिए ताकि कंपनी को पता लग पाए लोगों को मैनेजमेंट को पता लग पाए कि इतने नंबर ऑफ पीपल आ रहे हैं और उनकी व्यवस्था करनी है ठीक है ना तो ये था बाकी जो हमारा टॉपिक था मैं उसको एक बार और देख लू जरा हाँ, तो अबाउट एवोसेंट इवेंटी ये मैंने आपको बताया हाउ टू पार्टिसिपेट इन न्यू डेली ये मैंने आपको बताया कि फॉर्म के थ्रू आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ठीक है और इंपॉर्टेंस की की अटेंड करने तो यही है दोस्तों कि आप इस प्रोडक्ट को अपने खुद से जान पाएंगे और मैं आपको एक चीज बताऊं एक बहुत बारीक चीज बताता हूं आपको ना बहुत हिट करेगी ये चीज आपको समझ में आएगी सभी लोगों को देखिए हम लोग जब क्लोज मीटिंग में सुनते हैं तो वहां पर क्या होता है रशियन की रशियन का रूम अलग होता है हिंदी रूम अलग होता है इंग्लिश रूम अलग होता है ठीक है ना और वियतनामी रूम अलग होता है ठीक है और सारे रूम अलग अलग होते हैं वहां पर है ना और हम लोग उन रूम के अंदर एंटर करते हैं और जो चीज रशियन में बोली जाती है मान लीजिए आंध्रे सर बोल रहे हैं रशियन में बोली जाती है वो हमारे कानों में हमारे हिंदी में या इंग्लिश में उनमें पड़ती है तो कई बार हम चीजें सुनते हैं और उसको इतनी देर में विजुअलाइज करते हैं कि वो नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है तो हम उस पर कंसनट्रेट नहीं कर पाते लेकिन यहां पर एक बहुत अच्छी बात यह रहेगी कि यहां पर हमारे साथ जो है जैसे आंद्रे सर रशियन में बोलेंगे उसको रशियन में बोलने के बाद वहां पर हमारे जो डेनिस हैं जो इंग्लिश के ऑफिशियल ट्रांसलेटर है, हैं हैंड टू हैंड वो बोलेंगे तो जितने लोग इंग्लिश समझते हैं मेजोरिटी ऑफ लोग इंग्लिश समझते हैं ऐसा कुछ नहीं है आज इंग्लिश कोई अछूती भाषा नहीं है तो मेजोरिटी लोग इंग्लिश में उसको हैंड टू हैंड उसको समझेंगे उनको टाइम मिलेगा इतनी देर में जब वो अपना सेंटेंस पूरा करेंगे उसके बाद साक्षी मरहोत्रा जो है उसके कंप्लीट होने के बाद बोलेंगे क्योंकि यहां पर ट्रांसलेशन डिवाइस वाला सिस्टम नहीं है यानी पहले एक स्पीकर बोलेगा यानी दूसरा स्पीकर बोलेगा सरदार जी हैं वो बोलेंगे ठीक है ना वो बोलेंगे तो आप लोग को आप लोग इसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे आप लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे कि वो जो बोल रहे हैं और उसके अलावा आप लोगों को नोट्स के लिए जो है आप लोग नोट जरूर बनाइएगा जो भी वो लोग बता रहे हैं उसको एक एक पॉइंट को नोटिस कीजिएगा मेरी आपसे अभी से रिक्वेस्ट है कि कोशिश कीजिएगा अपने मोबाइल फोन को उस समय हम लोग टच ना करें क्योंकि मोबाइल फोन हमारा जो है उस समय ध्यान 100 परसेंट इधर उधर भटकाता है क्योंकि आंद्रे सर के मुंह से सारी बातें लाइव सुनना ये अपने आप में एक बहुत अलग अनुभूति होगी बहुत अलग अः मतलब एक एक्सपीरियंस होगा तो उस समय जो भी चीजें आंद्रे सर बताएंगे उसको नोटिस कीजिएगा उसको पहले इंग्लिश में सुनिएगा और उसको इंग्लिश में सुनकर हिंदी में सुनिएगा मैं ये क्यों कह पा रहा हूं क्योंकि मणिपुर में जब हम लोग गए तो मणिपुर में आ, वहां पर सिर्फ हमें इंग्लिश में ही मौका मिला वहां पर हमें सिर्फ इंग्लिश में ही मौका मिला क्यों क्योंकि आंद्रे सर जैसे बोल रहे हैं उसके बाद इंग्लिश में आ, बोला डेनिस ने और डेनिस के बोलने के बाद जो वहां पर मणिपुरी ट्रांसलेटर उन्होंने मणिपुरी में बोला तो ना तो मेरे को रशियन आती है ना मेरे को मणिपुरी आती है मेरे को सिर्फ इंग्लिश समझ में आती है तो मैंने उस हिसाब से नोट्स बनाए ठीक है ना तो मैं तब भी आराम से बना पाया क्योंकि तीन लोग जब बोल रहे थे तो समय का गैप ले रहे थे जिसकी वजह से मैं नोट्स बना पाया तो मैं ये अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि आप लोग यहां पर दो लैंग्वेज में समझ पाएंगे हिंदी और इंग्लिश और आप इजिल अपने नोट्स बना पाएंगे और जब नोट्स बनाएंगे और देखिए दोस्तों जब तक नहीं सुनेंगे जब तक एजुकेट नहीं करेंगे अपने आप को तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक आपको यही लगेगा कि यार ये फिर नया शिकूफा आ गया और एक फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया ठीक है ना आप लोगों के दिमाग में नकारात्मक सोच आएगी जब तक आप अपनी ड्यू डिलीजेंस नहीं करेंगे जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे ठीक है एवोसेंट जो सीआरयू को हमें डिले हुआ आने में हालांकि सीआरयू वाले लोग भी आज कम सक्सेसफुल नहीं है जिन लोगों ने फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज में फोर्थ स्टेज में सीआरयू लिया था दस पैसे की चीज दस पैसे बीस पैसे तीस पैसे चालीस पैसे की चीज आज चार रुपए पांच रुपए तक आपने अभी एक्सपीरियंस करी है और अब ये सफर रुकने वाला नहीं है क्योंकि डिफरेंट एक्सचेंजेस पे हम लोग की आ, मतलब एंट्री चल रही है अभी पिछले महीने आपने लोकल ट्रेड में देखा था ठीक है अब आप पीटूपी और बी की बात हो रही है धीरे 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 आप और एक्सचेंज पे आप हमें देखते जाएंगे तो प्राइजेस तो कभी नीचे नहीं आने वाले हैं और एक मास्टर स्ट्रोक में आपको बताता हूँ आप लोग अगर इसको अंडरस्टैंड करें और मुझे चैट पर लिख के दें देखिए हालांकि मैं इस पर भी कह नहीं सकता लेकिन मुझे लगता है कंपनी को आने वाले कुछ महीनों के अंदर आने वाले कुछ महीनों के अंदर मैं आपको एक सिर्फ एक एग्जाम्पल बताता हूं कि सीआरयू का प्राइस किस लेवल पर जा सकता है आप इमेजिन करिए अभी आप लोग जो अभी जो हम लोग पैकेज खरीद रहे हैं वो एवोसेंट के बैक ऑफिस में जाकर सीआरयू एवोसेंट के टैब में जाकर हम लोग जो सीआरयू के सॉरी एवोसेंट के पैकेजेस खरीद रहे हैं वो हम कैसे खरीद रहे हैं इंडियन बैंक अकाउंट है ग्लोबल यूनिट पे है बिटकॉइन है इथेरियम है लाइट कॉइन है यूएसडीटी टी आरसी ट्वेंटी है यूएसडीसी सॉरी uh, और यूएसडीसी uh, ट्वेंटी है ठीक है कल की डेट में इमेजिन कीजिए अगर कल की डेट में इमेजिन कीजिए अगर कंपनी सपोज सीआरयू को ऑप्शन दे देती है यानी सीआरयू से आप इसको खरीद पाए तो हालांकि ऐसी अभी कोई योजना नहीं है क्योंकि तो कंपनी को अभी पेमेंट चाहिए कंपनी को प्रोडक्शन यूनिट्स लगानी है सबको इसकी अभी कोई योजना नहीं है ठीक है हालांकि कोई योजना नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सीआरयू हमारे पास एक यूटिलिटी टोकन है यूटिलिटी मतलब जिसकी उपयोगिता है ठीक है ना तो ये यूटिलिटी टोकन कितना बड़ा कमाल कर सकता है कंपनी कल कल की डेट में अगर बहुत सारे ऑप्शन के साथ हमें यानी ग्लोबल यूनिट पे इंडियन बैंक अकाउंट बिटकॉइन इथेरियम लाइट कॉइन और यूएसडीटी टीआरसी ट्वेंटी यूएसडीआरसी ट्वेंटी के साथ साथ सीआरयू का ऑप्शन भी दे दे और मजे की बात है

उसके परिणाम ये होंगे उसके सुखद परिणाम ये होंगे एक सेकंड होल्ड कीजिएगा मैम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ना ओपन फॉर ऑल कर दीजिए क्योंकि करने की कोशिश करता हूं जस्ट फ्रेंड्स एक मिनट राइट सो फ्रेंड्स हाँ तो आप इमेजिन कीजिए अगर सीआरयू से पेमेंट एक्सेप्टेड होने लगेगा तो क्या होगा क्या होगा लोग सीआरयू खरीदेंगे कहां से यूनिटेक्स से कहां से पीयर टू पीयर कहां से पी टू पी बी टू बी जो आने वाला है कहां से लोकल ट्रेड से और आने वाले टाइम में और एक्सचेंजेस से ठीक है खरीदेंगे तो जब खरीदेंगे क्यों क्यों खरीदेंगे क्योंकि तीन परसेंट का जो चार्ज ग्लोबल यूनिट पे इंडियन बैंक अकाउंट बिटकॉइन इथेरियम लाइट USDT, USDT, 20, 20 में जा रहा है सीआरयू से पेमेंट करने में नहीं जाएगा और हम लोग सीआरयू में पेमेंट कंपनी को कर पाएंगे मान लीजिए किसी को छह सौ डॉलर का पैकेज लेना है बारह सो डॉलर का पैकेज लेना है तो बारह सो डॉलर मूल्य का सीआरयू यूनिट एक्सचेंज से खरीदा या पीटूबी बीटूबी से खरीदा या लोकल ट्रेड एक्सचेंज से खरीदा आने वाले और एक्सचेंज से खरीदा और कंपनी के बताए हुए वॉलेट पर पेमेंट कर दिया जैसे हम यूएसजीटी टीआरसी ट्वेंटी भेज रहे हैं या बिटकॉइन इथेरियम लाइटकॉइन भेज रहे हैं ऐसी हमने भेज दिया तो उससे क्या होगा मार्केट से जब तो सीआरयू की खरीद होगी तो सीआरयू की प्राइस अनावश्यक रूप से तावर तोड़ बढ़नी शुरू हो जाएंगी और जब तावर तोड़ बढ़नी शुरू हो जाएंगी तो हमारा कॉइन पीछे क्यों नहीं लिस्ट हो रहा था आर्मन मुन्निक्स ने बताया था क्लोज मीटिंग में आंद्र हव्तर सर ने बताया था क्यों नहीं लेना चाह रही थी दूसरी एक्सचेंजेस क्योंकि हमारा प्राइस सीआरयू का चौदह तेरह बारह तेरह दस आठ सात पांच चार तीन दो एक चालीस पैसे तीस पैसे तक पहुंच गया था इसकी वजह से कोई भी सब लोग उसको शिट कॉइन बता रहे थे कि यार इसकी तो प्राइस नीचे टूटती जा रही है हम अपने एक्सचेंज पे लेंगे तो हमारी कम्युनिटी खराब हो जाएगी मैंने आप लोगों को पीछे एक्सप्लेन किया था इस चीज के ऊपर हमारी कम्... यानी कंपनी की उस एक्सचेंज की कम्युनिटी खराब हो जाएगी क्योंकि हम लोग क्या करेंगे वहां जाकर भी सेल कर देंगे सब लोग और वहां के लोग खरीद लेंगे तो मरेंगे कौन वहां की कम्युनिटी लेकिन जब हमारी प्राइजेस बढ़ती जाएंगी क्योंकि जैसे कंपनी मैंने आपको बताया सीआरयू में जब पेमेंट एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएगा सीआरयू में पेमेंट कंपनी अगर कर देती है इसको आने वाले कुछ महीनों के अंदर सीआरयू में अगर पेमेंट एक्सेप्ट हो जाता है ठीक है हालांकि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है कोई मेरी बात नहीं हुई है लेकिन मैं अपना एक माइंडसेट बता रहा हूं अगर आने वाले टाइम में कंपनी से सीआरयू में पेमेंट एक्सेप्ट कर देती है और उस पर कोई चार्ज भी नहीं लगाती है यानी बिटकॉन इथेरियम में चार्ज लगता है और इस पे कोई चार्ज भी नहीं होता है तो क्या होगा सब लोगों की मजबूरी बन जाएगी सीआरयू से खरीदना लोग सीआरयू मार्केट से खरीदेंगे एक्सचेंज से खरीदेंगे और कंपनी को वॉलेट में भेजेंगे और सीआरयू का प्राइस बूम 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 बुम करता जाएगा सोचिए और उसके बाद जब सीआरयू का प्राइस बूम करता जाएगा तब क्या होगा सारे एक्सचेंज हम पे लपकेंगे कि भाई ये जो, ये जो ये जो सीआर है आगे बढ़कर कॉन्टेक्ट करेंगे और सीआरयू को लिस्टिंग कर अपने कराएंगे अपने यहां कराएंगे यानी हमें जो इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है कि टेलीग्राम बना लोकल ट्रेड से अप कर उनके स्टेकिंग प्रोग्राम में रेफरल प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कर ये कर वो कर कुछ नहीं करना पड़ेगा ताबड़तोड़ चीजें डेवलप होती चली जाएंगी ठीक है तो बिलीव मी स्काई इज द लिमिट किसी के पास ऐसी चीज नहीं है हमें हम अंदर के जो लोग हैं ना इनसाइडर कम्युनिटी इनसाइडर ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं हम अंदर के लोगों को यह बात पता होगी कि सीआरयू का रेट तो अब नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है जैसे सीआरयू क्या इस तरह का उपयोग आएगा सीआरयू का इस तरह का उपयोग अगर आएगा हमारी कम्युनिटी के बीच तो जो है सीआर यू का प्राइस भागेगा ही भागेगा तो हम लोग और आप लोग क्या करेंगे मार्केट से चाहे दस रुपए का मिल रहा हो चाहे बीस रुपए का मिल रहा हो चाहे पचास रुपए का मिल रहा हो हर आदमी सीआरयू को इकट्ठा करके अपने वॉलेट में भरना शुरू कर देगा और स्टेकिंग पे डाल देगा स्टेकिंग पे डब्लू सीआर में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि तो फीस महंगी हो गई है लेकिन स्टेकिंग पे डालेगा तो फ्री में यूएनटी भी मिलेगा उसे और सीआर तो होगा ही आपके पास उसकी प्राइस बढ़ रही होगी तो सोचिए कितने स्मार्ट मूव्स हम लोग बना सकते हैं लेकिन इसमें अभी समय लगेगा क्यों क्योंकि सोच के देखिए अगर सीआरयू कंपनी ऐसा कर देती है सीआरू का प्राइस बहुत बूम कर जाएगा हो सकता है दस, पचास सौ रुपए तक तो ऊपर पहुंच जाए लेकिन अब कंपनी को तो पैसा चाहिए था ना भाई क्योंकि पैसा क्यों चाहिए था प्रोजेक्ट लगाने के लिए अब कंपनी ने सीआरू लेकर अपने पास इकट्ठा कर लिया अब कंपनी अगर उस सीआरू को मार्केट में सेल करती है और उसको लिक्विडेट करके उस पैसे से लिक्विड पैसे से ही तो फियार्ट मनी में कन्वर्ट करती है फिट मनी को कन्वर्ट करके अगर वो प्रोजेक्ट लगाती है तो उन्हें फिर सीआरयू गलाना पड़ेगा और सीआरयू गलाएगी तो मार्केट में जाकर डालना पड़ेगा मार्केट में डालना पड़ेगा तो तो सीआरयू का प्राइस नीचे बैठ जाएगा ठीक है है इसीलिए जब तक कंपनी कंपनी को समुचित समुचित संख्या में के पास पैसा नहीं आ जाता यानी जितना प्रोजेक्ट लगाने के लिए पैसा चाहिए फर्स्ट स्टेज या ये हो सकता है फर्स्ट स्टेज में हो सेकंड स्टेज में हो थर्ड स्टेज में हो फोर्थ फिफ्थ सिक्स जब तक कंपनी के पास पूरा पैसा नहीं आ जाता है शायद कंपनी तब तक इस तरह की चीज नहीं लाएगी मार्केट में और जब एक बार ये मार्केट में आ जाए ये एक बार मार्केट में आ जाए आप बिलीव कीजिएगा आप बिलीव कीजिएगा कितनी ज्यादा उसके अंदर लोग बढ़ेंगे कितने ज्यादा जो है सीआरयू का पोटेंशियल बढ़ेगा सीआरयू का पोटेंशियल बढ़ेगा तो यूएनटीबी का प्राइस बढ़ेगा क्योंकि बोथ आर इंटरकनेक्टेड ठीक है ना बोथ आर इंटरकनेक्टेड तो आप देखिए कितना कितना बड़ा मूव होगा कंपनी का तो हम लोग ऐसे सिस्टम के साथ हैं एंड दूसरी बात जो ये चीजें हो रही है ना जो ये आपको मैं बता रहा हूं जो एवोसेंट टोकन को लाया जाएगा एवोसेंट टोकन को लाया जाएगा तो ठीक दस महीने बाद ये ट्रेडिंग पे आ जाएगा सीआरयू में हमें इंतजार करना पड़ा मार्च दो से आज की हम बात करें वैसे तो आ गया था हमारा ये पे पे यूनिटेक्स तो लगभग सात आठ महीने पहले है ना अगर मैं इफ आई एम नॉट सात आठ महीने पहले आ गया था लेकिन आप लोग इसकी प्राइस इसकी डामाडोल डामाडोल कम ज्यादा कम ज्यादा बहुत कम और फिर अब उठना शुरू हुई अब आपने देखा लेकिन एवोसेंट क्योंकि पूरी तरह से चरणबद्ध तरीके से कंपनी प्रॉपर तरीके से काम करेगी कंपनी के पास

पैसे की तंगी मेरे पास भी आज के डेट में ठीक है ना तो क्यों सुना क्योंकि मैं जब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लूंगा उससे फिर एक्साम्पल्स क्रिएट करूंगा उससे नोट्स बनाऊंगा और वो नोट्स आपके सामने प्रस्तुत करूंगा वही तो मैं कर रहा हूं ठीक है ना तो मेरे को कोई स्पेशल चीज नहीं बताई जा रही है वही चीज आप आंध्रे सर से सुनने वाले हो ठीक है लेकिन जो चीज मेरे दिमाग में आइडियाज आए हैं जो मैंने सुना है वही चीज जब आप आंध्रे सर को लाइव सुनोगे तो आपको वही सारे आइडियाज आपको आएंगे ठीक है ना तो ये है तो मैंने जो आपको ये बताया सीआरयू का जो बताया कि ऐसा हो सकता है और अगर ऐसा इंप्लीमेंट हो गया तो कितना अच्छा रहेगा अगर आपको ये चीज समझ में आई है सब लोगों को तो प्लीज सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है प्लस हंड्रेड दीजिए चैट में प्लस हंड्रेड अगर सबको समझ में आई है तो सब लोग प्लीज प्लस हंड्रेड का साइन दीजिए ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों ने कितने लोगों को आपको समझ में आया और अगर इसमें आपको डाउट लग रहा है ठीक है ना तो माइनस हंड्रेड दीजिए कि अगर आप लोग नहीं इतफाक रखते हैं इस स्ट्रैटेजी से या इस आ, से, इस बात से तो आप लोग माइनस हंड्रेड दीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग क्या सोचते हैं ओके okay, सब लोग सेटिस्फाइड है चलिए तो यहां लगता है कि मैं जो समझा मैं जो समझाना चाहता हूं वो मैं समझाने में कामयाब हुआ इसलिए मैं कह रहा हूं पहली बात एवोसेंट में पार्टिसिपेट सभी कीजिए और अब मैं आपको एक और चीज बहुत बारीक पॉइंट बताता हूं एवोसेंट में अभी फिलहाल आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा सभी लोगों को कमीशन आ रहे हैं ठीक है सभी लोगों को कमीशन आ रहे हैं इवन उन व्यक्तियों को भी आ रहे हैं जिन लोगों ने अभी एक भी पैकेज नहीं खरीदा है उनको भी दे रही है कंपनी अभी ठीक है आप लोगों ने शायद एक्सपीरियंस किया होगा ठीक है लेकिन उसके बाद 31 मार्च के बाद जिसने कम से कम 50 यूनिट की या 100 यूनिट की खरीद करी होगी 50 यूनिट की खरीद करी होगी उसी पे कमीशन आएंगे और उसके बाद आपकी जो रैंक है अभी आपकी रैंक डाउन नहीं हुई है मैं आपको सब लोगों को बता दूं हम सब लोगों की रैंक पुरानी ही है हम लोगों की रैंक जैसे मेरी रैंक टॉप मैनेजर के अकॉर्डिंग मेरे को कमीशन आ रहे हैं ठीक है या जो यहां पर जो भी लोग हैं ठीक है आ, ये जो भी लोग हैं है, आ, लोग है ना एक सेकेंड ये मेरे को प्लीज में ना आप लोग मेरे को डायरेक्ट मैसेजेस कर रहे हैं आप लोग क्या करिए ये नीचे जहां पर मैसेज टाइप करते हैं उसके ऊपर ना टू लिखा हुआ है टू में ना आप जब क्लिक करेंगे एवरी वन इन मीटिंग का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कर लेंगे तो आप जो मैसेज करेंगे वो सारे लोगों को दिखाई देगा अभी क्या हो रहा है ज्यादातर लोग मेरे को ही मैसेज कर देते हैं तो मेरे को मैसेज करके फायदा नहीं है क्योंकि वो सारी पब्लिक को दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों का मैसेज ठीक है ना तो एवरी वन पे कर लीजिए ठीक है हाँ तो मैं आपको बता रहा था मैं आपको बता रहा था क्या बता रहा था मैं तो यही भूल गया क्या बता रहा था मुझे कोई याद दिलाएगा हां हां तो हां ये बता रहा था कि आप अगर एवोसेंट का अगर पैकेज खरीद लेते हैं अभी तो देखिए आप लोग 31 तारीख के बाद आपको अपनी रैंक रिक्वालिफाई करनी है अगर आप अपनी रैंक को रिक्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको अपनी रैंक के हिसाब से कमीशन नहीं आएगा मान लीजिए मैंने क्या करा मैं नीचे से कमीशन तो कमा रहा हूं ठीक है और मैंने क्या करा मैंने अपने रैंक को यानी मैंने अपना खुद का पैकेज नहीं लिया अब मान लीजिए मेरे तो सात आठ डायरेक्ट हैं फ्रंट में अब मेरे में सात डायरेक्ट में चार डायरेक्ट ने क्या करा इन द मीन टाइम वो एजेंट मेरी रैंक भी एजेंट है और उनकी रैंक अभी पार्टनर है मान लीजिए ठीक है मेरी मेरी रैंक रैंक अभी एजेंट है है या मेरी भी पार्टनर है. और मैंने मैंने क्या करा मैंने अपनी स्वयं की आईडी पर स्वयं का एजेंट के लिए मिनिमम 200 चाहिए होता है तो यहां पर 200 का पैकेज नहीं 300 का है तो मैंने 300 का पैकेज नहीं खरीदा या 600 का कंसल्टेंट के लिए 500 चाहिए था यहां पर 600 का पैकेज है मैंने स्वयं के लिए 600 का पैकेज नहीं खरीदा लेकिन मेरे जो डायरेक्ट हैं उन लोगों ने खरीद लिया तो उनसे जो फौरी पे मेरे को परसेंट कमीशन आना है, वो तो मुझे आ गया। लेकिन एक तो मेरे को कंसल्टेंट रैंक और अचीव हो जाएगी कब होगी जब मेरे चार दो डायरेक्ट दो डायरेक्ट एजेंट या दो इनडायरेक्ट तीसरी चौथी लाइन में डेप्थ में भी अगर मेरे इनडायरेक्ट एजेंट होते हैं तो मेरी कंसल्टेंट रैंक हो जाएगी लेकिन कंसल्टेंट रैंक के लिए मेरा अपना निजी निवेश भी तो होना चाहिए कम से कम पांच डॉलर का तो मैंने अगर सिर्फ नीचे से कमीशन खाता जा रहा हूं और मैं उस कमीशन से अपने पैकेज को अपग्रेड नहीं कर रहा हूं ठीक है तो आने वाले टाइम में क्या होगा मेरी रैंक भी एजेंट ही या पार्टनर ही रह जाएगी और मेरे नीचे वाले चारों लोग एजेंट बन जाएंगे और उनके नीचे वाले भी रैंक सबकी बढ़ती जाएगी और मेरे पे कमीशन आना बंद हो जाएगा मेरे से नीचे से कमीशन आना बिल्कुल बंद हो जाएगा इसीलिए मुझे क्यों बताया जा रहा है बार बार कि फर्स्ट लेवल अभी चल रहा है पहला चरण चल रहा है फर्स्ट फेज चल रहा है इसमें अपना पैकेज को परचेज कर लीजिए पैकेज को परचेस कर लूंगा कर लेंगे तो आपको जैसे मार्च 2019 में सीआरयू का जो आपको बेहतरीन वाला मौका मिला था बहुत ना के बराबर पैसे में आपने अच्छे खासे टोकन आप लोगों के पास थे वो वाले उस लेवल के आपको रेट्स आज के रेट में मिल जाएंगे एक तो वो वाला फायदा मिलेगा आपको पहला फायदा दूसरा फायदा यह मिलेगा कि जब नीचे से जब आप हाँ दूसरा फायदा यह मिलेगा जब आप थोड़ा सा काम करेंगे और आप अपने अपनी रैंक को दोबारा इंप्रूव करेंगे तो जैसे ही एजेंट बनेंगे आपको दस हजार टोकन गिफ्ट में मिल जाएंगे उसके बाद आप नीचे आपके चार एजेंट हो गए दो डायरेक्ट और दो तीसरी चौथी पांचवी लाइन में इनडायरेक्ट डेप्थ में अगर एजेंट बन जाते हैं तो आपका कंसल्टेंट रैंक बन जाएगा आपका पांच सौ डॉलर के आपने ले मतलब आपने पैकेज ले रखे पांच सौ या यहां पर तो हमारे पास 600 भी ले, रखा है। या आपने क्या करा? ले लिया, और सौ, सौ के दो ले लिया। अगर कोई छे सौ नहीं लगाना चाहता है तो और 100 का एक पैकेज ले लिया ले, पांच सौ का, सौ का एक -एक पैकेज लेने के बाद और आपके चार एजेंट बनने के बाद आपका कंसल्टेंट रैंक भी बन गया तो कंसल्टेंट रैंक बनते ही आपको क्या फायदा होगा आपको पैंतीस टोकन मिलेंगे चूंकि आपको दस हजार पहले मिल चुके हैं तो आपको दस हजार पैंतीस हजार और दस हजार का डिफरेंस यानी पच्चीस हजार टोकन आपको और मिलेंगे ठीक है ठीक है तो आप अब यहां पर कंपनी ने एक बहुत स्मार्ट मूव खेला है पहले कंपनी क्या करती थी आप नीचे से सीआरयू का पैकेज दिलवाते थे आपको सीआरयू रेफरल में मिलता था ठीक है अब आपको रेफरल में नहीं मिलेगा अब आपको रैंक क्वालिफाई करनी पड़ेगी अब आपको यू हैव टू क्वालिफाई योर रैंक आप एजेंट बनेंगे दस टोकन गिफ्ट में पाएंगे रिवॉर्ड में पाएंगे आप कंसल्टेंट बनेंगे आप पैतीस हजार पाएंगे लेकिन दस हजार पहले ले चुके हैं तो पच्चीस हजार मिलेंगे उसके बाद आप मैनेजर रैंक क्वालिफाई करेंगे तो एक लाख टोकन पे आ जाएंगे आप लेकिन पैंतीस हजार पहले ले चुके हैं पैतीस हजार वाला स्लैब ले चुके हैं तो पैंसठ हजार ही मिलेंगे इस तरीके से आप फ्री में टोकन भी ले सकते हैं ठीक है तो बिल्कुल यह मत सोचिए यहां पर बहुत लोग देखिए पहले भी क्या होता था लोग स्ट्रक्चर लगा के बैठ जाते थे डीप डाउन में एक के नीचे, के नीचे अपना स्ट्रक्चर लगा लेते थे तीन चार आईडी खुद के लगा लेते थे और वहां से नीचे पैकेज लेते थे और ऊपर तक क्या करते थे लोग कमीशन कमाते थे और उस कमीशन को अपना खर्चा चला लेते थे उससे टोकन नहीं बनाते थे मैं आपको बता रहा हूं कोई इंपॉर्टेंस रैंक की इतनी ज्यादा नहीं है हां रैंक की इंपॉर्टेंस है रैंक की इंपॉर्टेंस है क्योंकि आपके कमीशन आपके ज्यादा तभी बनेगा जब आपकी रैंक बड़ी होगी ठीक है लेकिन नंबर ऑफ टोकन्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है तो यहां पर एक्चुअल कंपनी ने प्लान निकाला है बहुत अच्छा जो मुझे मुझे जो प्लान से बहुत सेटिस्फेक्शन है कि जब तक आप रैंक अचीव नहीं करेंगे तब तक आपको गिफ्ट के टोकन्स नहीं मिलेंगे

कई लोगों ने चालीस पैसे तक पचास पैसे साठ पैसे सत्तर पैसे माल बेचा होगा उनका वो माल अभी चार पांच रुपए बिकता और अब पीटूबी और उसके बाद जब एक्सचेंज में आएगा तो माल कितना महंगा हो जाएगा और जब सीआरयू से मान लीजिए कंपनी पैकेजेस की आ, मतलब बिक्री करना शुरू कर देती है तो आपके पास पड़ा हुआ सीआरयू कितने पैसे का हो जाएगा इमेजिन कीजिए तो देखिए फिर मैं कहता हूं हमेशा बिटकॉइन से पैसा उसने कमाया जिसने बिटकॉइन को होल्ड करके रखा ठीक है यहां से भी पैसा वही कमाएगा जो इन टोकन्स को होल्ड कर रखेगा क्योंकि बिकॉज सप्लाई इज लिमिटेड एंड डिमांड क्रिएट होती जा रही है डिमांड बढ़ती जा रही है ठीक है ना तो ये हुआ ये वाली बात और आ, हाँ, तो मैं जो बता रहा था एवोसेंट का टोकन आप जरूर लीजिए जितने आपकी हिम्मत है उतना लीजिए कोई इसमें कोई प्रेशर नहीं है बस चीज को समझिए गेम को समझिए मेंटालिटी को समझिए दस चैनल के बाद सीआरयू कंपनी मार्केट में उतार देगी उस समय बताएगी परियोजना और हमारे पास एक्सचेंजेस हमारे बने हुए हैं लोकल ट्रेड से हम लोग एक एक्सचेंज एक में पार्टनरशिप कर एक कॉइन में दो कॉइन में यानी में पार्टनरशिप कर चुके हैं पी टू बी से पार्टनरशिप कर चुके हैं और इन दस महीनों में कितने और एक्सचेंज से पार्टनरशिप हो चुकी होगी तो हम चरणबद्ध तरीके से इस एवोसेंट टोकन को हम उन एक्सचेंज पे लॉन्च करा देंगे और उन एक्सचेंज पे लॉन्च करा के हम इसकी प्राइस कितनी आगे ले जाएंगे आप इमेजिन नहीं कर सकते एंड बिलीव मी दोस्तों ये खत्म नहीं हुई है अभी बात

आपका जो कॉस्ट प्राइस होगी आप तो मिनिमम न्यूनतम वाले प्राइस पे ले रहे हो यानी one cent, one cent पे आपने खरीदा है। उस समय टोकन तो को बेच के अपना प्रॉफिट लेके घर जा सकते हैं ठीक है लेकिन उस समय आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इस टोकन को आप इस टोकन को क्या करोगे कर आप इस टोकन को जो है आ, इस टोकन को डिस्काउंट में आप लागू कर सकते हैं यानी कल आप जो जहां पर जहां पर एवोसेंट के परफ्यूम्स बिकेंगे उन दुकानों पे जाकर वहां पे परफ्यूम पे लिखा होगा 500 डॉलर सपोज परफ्यूम की कॉस्ट है 500 डॉलर ठीक है वो 500 डॉलर वहां लिखा होगा उस पर क्रॉस लगा होगा और नीचे लिखा होगा ढाई से तीन डॉलर तो आप वो पांच डॉलर की चीज आम आदमी आप लोग नहीं हम और आप तो परफ्यूम खरीद के बैठे हैं पहले से ही आम आदमी जब दुकानों पर जाएगा एयरपोर्ट्स पे जाएगा जहां पर परफ्यूम हाई हाई ब्रांडेड परफ्यूम बिकते हैं दुनिया में वहां पर जाएंगे और वो देखेंगे कि यार ये अच्छा रेमन बिहार ने परफ्यूम बनाया और ये नया परफ्यूम है और उसमें लिखा होगा पांच सौ डॉलर और लेस टू हंड्रेड फिफ्टी थ्री हंड्रेड डॉलर ठीक है ना क्रॉस करके लिखा होगा उस और वहां पर लिखा होगा कि अगर आपको ये डिस्काउंट चाहिए तो आप क्यू आर कोड को स्कैन करिए वहां पर कोड कोड होगा को जैसे ही स्कैन करेंगे आप एक सिस्टम पे पहुंच जाएंगे रीडायरेक्ट हो जाएंगे साइट पे और आप वहां दुकानदार से असिस्टेंस लेंगे कि मैं ये डिस्काउंट कैसे ले सकता हूं वो दुकानदार बताएगा कि आप क्यू आर कोड को स्कैन करिए आप वहां पर जाइए यूनिटेक्स से या कहीं से भी आपको का टोकन परचेज करना है, का है और वो टोकन हमें दे दीजिए हम आपको ढाई सौ दो सौ डॉलर का डिस्काउंट दे देंगे। तो क्या मार मचेगी जो कंपनी की परियोजना है जो मैंने आंद्रे सर को सुनके जो मैं समझ रहा हूं निजी हो सकता है हालांकि जब आप आंध्रे सर को अभी कल सुनेंगे सॉरी दो तारीख को सुनेंगे तो आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे तो जब डिस्काउंट में हमें वो चीज मिल रही होगी और हम लोग उन्हें टोकन देंगे दुकानदार को जब हम लोग दुकानदार को टोकन देंगे तो दुकानदार उस टोकन को जो है सिस्टम के पास भेज देगा और वो वो जो सिस्टम है जो है वो उस उस ग्राहक को फायदा ये होगा कि 500 डॉलर की चीज उसे 250 से 300 डॉलर में मिल जाएगी ठीक है 30 40 परसेंट जो डिस्काउंट मिलना होगा वो मिल जाएगा और और जो टोकन होगा वो टोकन सिस्टम से आउट हो जाएगा यानी वो टोकन मार्केट से बर्न हो जाएगा तो यहां पर दो चीजें हो रही है एक तो टोकन की यूटिलिटी क्रिएट हो गई यूटिलिटी यानी हम उसे एज अ डिस्काउंट डिस्काउंट uh, कूपन हम इस्तेमाल कर सकते हैं उस टोकन को पहली पहली यूटिलिटी और दूसरी यूटिलिटी वो टोकन सिस्टम से आउट हो जाएगा बर्न हो जाएगा यानी टोकन रिड्यूस हो जाएगा अब सोचिए जब ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसा होगा तो टोकन की डिमांड और टोकन की प्राइस बढ़ेगी क्योंकि लोग ढूंढेंगे यार मुझे 500 डॉलर का मैं परफ्यूम को खरीदूं क्योंकि मैं 300 डॉलर का क्यों नहीं खरीद लेता हूं तो वो पीयर टू पीयर जाएगा या यूनिटेक्स एक्सचेंज पर जाएगा वो दुकानदार उसे बताएगा उसे कि आप यहां से ले सकते हो सकता है दुकानदारी दे दे उसे उसको दुकानदार को अगर अपना अपने उसने टोकन ले रखे हो तो दुकानदारी सस्ते में उसे टोकन दे दे तो उसे 200 डॉलर का डिस्काउंट मिल रहा है मात्र एक या दो दो टोकन देने में तो आप सोचिए एक या दो टोकन मतलब की वैल्यू कितनी हो जाएगी ठीक है ना तो इस तरह से एक योजना तो यह है जिसकी वजह से टोकन की प्राइस बढ़ेगी पहली चीज दूसरी चीज हम इससे एन खरीद पाएंगे कंपनी बाद में एन उतारेगी और उसकी एन की प्राइस बहुत ज्यादा होगी ठीक है तो हम अपने टोकन को बर्न करके एनएफटी खरीद पाएंगे और एन की संख्या बहुत कम होगी ठीक है दूसरी चीज हो गई और तीसरी चीज हम इस टोकन से आने वाले समय में शेयर परचेज कर पाएंगे जो शेयर नाजडाक में या दुबई एक्सचेंज में या किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में अभी डिसाइड नहीं है अभी ये डिसाइड नहीं है कि कब वो जो है स्टॉक मार्केट पर जाएगा हम उस समय डिस्काउंट में वो टोकन जो हमारे को एवोसेंट टोकन मिलेंगे वो हम ना के बराबर कन्वर्जन फीस देके हम उसे शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि सबसे बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है, ये बड़े -बड़े है। क्रिप्टो एक्सचेंज में अभी भी इतना बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है कहीं भी ठीक है कहां पर है स्टॉक मार्केट में नाजडाक में दुबई स्टॉक एक्सचेंज में ठीक है वहां पर जो है हमारा ये जो कॉइन है वो सॉरी जो शेयर है यह लिस्ट होगा तो हम अपने टोकंस को जो उस समय ट्रेड भी हो रहे होंगे उनकी अच्छी खासी प्राइस होगी उसको हम कन्वर्ट कर पाएंगे एक्सचेंज में और अगर नहीं कर... सॉरी शेयर में एक्सचेंज कन्वर्ट कर पाएंगे और जो व्यक्ति नहीं कन्वर्ट करना चाहता है कन्वर्ट मतलब सॉरी आप उसको खरीद पाएंगे कन्वर्ट इज नॉट अ राइट वर्ड थैंक यू योगेश जी कन्वर्ट नहीं मतलब जो आप अपने उन टोकन से आप प्री आईपीओ शेयर खरीद पाएंगे और जो खरीदने की कोई बाध्यता नहीं होगी अगर आप एक्सचेंज पे आप अपने बड़े हुए रेट से सेटिस्फाइड हैं दूसरे तीसरे चौथे पांचवे एक्सचेंज पे जब हम जाएंगे और हमारी प्राइस बढ़ेगी उससे आप सेटिसफाइड हैं और आप अपने टोकन को आप अपने टोकन को टोकन ही रखना चाहते हैं कोई जरूरत नहीं है उसको कन्वर्ट करके सॉरी उसको जो है उस, उ, उ, उसके उस उसके बराबर मूल्य का आप उ, उ, कुछ फीस देकर आप शेयर में उसे कर, मतलब परचेस कर लें आपको डिस्काउंट में शेयर प्री आईपीओ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा आपकी मर्जी आप नहीं करना चाहें मत कीजिए आप उसे हमेशा टोकन में रखिए ठीक है थीके? तो ये तीन बहुत महत्वपूर्ण यूज केस बनाए गए हैं इस टोकन के ठीक है ये चीज है तो ये आप लोगों को बात समझ में आई और हमारे साथ एक बहुत बढ़िया जो है अभी मैं, सब, मैं देखता हूँ ध्रुव जी अगर आ गए हैं तो ध्रुव जी अभी नहीं आए हैं अच्छा आ तो गए हैं ध्रुव जी अब ध्रुव जी दो मिनट आप दो मिनट का समय और लीजिए और मेरे साथ योगेश जी हैं और योगेश जी बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं और योगेश जी ने दिल्ली में अभी आंधे सर से मुलाकात भी करी थी और योगेश जी मैं आपको चाहूंगा अनम्यूट कर रहा हूँ और आप प्लीज़ पांच मिनट में भी बात को जरा सा समझाइए कि है और जो मैं जो बता रहा हूँ अगर मैंने कुछ गलत बताया है क्योंकि नो वन इज कम्प्लीट इन दिस वर्ल्ड हर आदमी अपने आप में संपूर्ण नहीं है हो सकता है मैंने कुछ गलत बताया हो या कोई दाएं माँ चीज़ बताई हो क्योंकि अभी मेरे लिए भी चीज़ें नहीं है तो अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं तो प्लीज़ आप जरा लोगों के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज़ अपना वीडियो भी ऑन कीजिए जी। बिल्कुल फॉलो बहुत बहुत तो चलो, तो तो करते हैं और बहुत अच्छी जानकारी आपके पास होती है तो प्लीज मैं चाहूंगा कि आप प्लीज सबके सामने बात रखें थैंक यू नहीं बिल्कुल सर अतुल सर थैंक यू आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं सभी लोगों से ये चाहूंगा कि जितनी भी जानकारी अतुल सर ने दी है वो बिल्कुल सही है इवोसेंट बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए भी और हम लोगों के लिए भी और सर ने जो बात बताई मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी इवोसेंट हम लेंगे उनको नॉमिनल प्राइस पर हम लोगों को एक मौका दिया जाएगा अप्रिय आईपीओ में जो है शेयर खरीदने का ये शेयर वही खरीद सकता है जिसके पास टोकन होंगे फॉर एग्जाम्पल कि अतुल सर के पास टोकन है लेकिन मेरे पास टोकन नहीं है और मैं चाहता हूं शेयर खरीदना तो ये मुझे नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो सेंट टोकन जिसके पास होगा उसी को ये शेयर मिलेगा और वो उस टोकन के बदले में एक नॉमिनल फीस देगा उस फीस को पे करने के बाद मेरा जो टोकन है वो बर्न हो जाएगा और उसके बदले में मुझे शेयर मिल जाएंगे इससे फायदा ये होगा कि 400 करोड़ जो टोकन है वो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जाएगी और उनका प्राइस भी लगातार बढ़ेगा एक तरफ शेयर की मांग बढ़ेगी तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा दूसरी तरफ टोकन बर्न होंगे तो उनका प्राइस भी बढ़ेगा यहां पर उन लोगों को ज्यादा फायदा है जो लोग फर्स्ट स्टेज में या सेकंड स्टेज में ज्यादा से ज्यादा टोकन परचेज कर लेते हैं क्योंकि दसवीं स्टेज तक जाते जाते एक रुपए का जो आज के तारीख में टोकन है वो तेरह रुपए तक पहुंच जाएगा तो जब ये मार्केट में आएगा तो जिन लोगों ने पहले जो परचेज किया था उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ये बेटर है सभी के लिए तो सभी को ये परचेस कर लेना चाहिए जो लोग वेट कर रहे हैं दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि डब्ल्यू जो था उसके अंदर हमारा जो डिविडेंड की जो बात हो रही थी वहां पर हमको आठ से पैंतीस परसेंट के बीच में डिविडेंड देना था और बाकी री होता था जबकि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इवोसेंट इसके अंदर एटी परसेंट डिविडेंड जो है लोगों को दिया जाएगा और ट्वेंटी परसेंट री होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास इनकम होनी चाहिए तो ये प्रोजेक्ट खास इनकम के लिए ही बनाया गया है कि जो लोग पैसे की परेशानी है उन लोगों की पैसे की परेशानी दूर हो जाएगी तो कहीं ना कहीं एक दूसरे रेफर कर रहे हैं वहां से आपके पास बोनस आ रहा है जो टोकन जो है उसका प्राइस बढ़ेगा वहां से आपकी आमदनी बढ़ेगी जो लोग इसको इसके बदले में शेयर खरीदेंगे वहां से उनको बेनिफिट मिलेगा और नेक्स्ट चीज ज्यादा से ज्यादा जब ये बिकेगा हम परफ्यूम बिकेगा और इसके इसके केवल परफ्यूम नहीं है है बहुत सारी अंदर बैग्स हैं 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 वॉलेट्स और भी बहुत सारी चीजें हैं भविष्य के अंदर तो वहां से जब जो बेनिफिट मिलेगा तो उसका डिविडेंड भी एटी हम लोगों में बटेगा बाकी सारी चीजें तुल सर ने बता दी है मुझे नहीं लगता और ज्यादा आपको जानने की जरूरत है बाकी सब चीजें आपको दो तारीख को जो

जो है टोकन के थ्रू डिस्काउंट मिलेगा और इसकी वजह से लोग क्या करेंगे जब डिस्काउंट का नाम सुनते हैं और जो चीज हाफ रेट पे मिल रही में फोर्टी मिल रही है तो लोग कहेंगे यार कि कहां से मिलेगा टोकन वो दुकानदार से पूछेंगे और दुकानदार बताएगा भाई एक काम करो यूनिटेक्स एक्सचेंज है यहां जाओ या P2P, P2P पे जाओ या या पे मेरे पास कुछ पड़े हैं मुझे पैसे दो और ये ये टोकन खरीद लो वो दुकानदार अपने टोकन क्योंकि खरीद के बैठा होगा उसके माइंडसेट होगा वो अपने टोकन पहले से खरीद के बैठा होगा और वो आपको टोकन देगा आप वो टोकन उसे पे कर दोगे ठीक है और आपको डिस्काउंट मिल गया आप खुशी खुशी घर आ तो एक तो यूटिलिटी टोकन बना दूसरा डिस्काउंट मिला तीसरा टोकन बर्न हुआ तो इन सब चीजों से ना इसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो बिल्कुल सही हो होगी जी ने बताया तो ये सारी चीज हो गई और व्हाट नेक्स्ट हां अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ध्रुव सर हमारे साथ आ चुके हैं मार्केट गए हुए थे दिल्ली में आ चुके हैं ध्रुव सर ठीक है और हमारे आ, मतलब डायरेक्टर ऑफ इंडिया भी हैं ध्रुव सर तो मैं ध्रुव सर से बोलूंगा कि प्लीज अपने आ, अपने आप के म्यूट करेंगे अनम्यूट करेंगे और आ, जो है सब कुछ बताएंगे ध्रुव सर नमस्कार लीडर सभी को गुड इवनिंग अतुल जी ने बहुत विस्तार पूर्वक बताया मैं भी मीटिंग को सुना और पूरा डिटेल आप लोग देखे गए हैं ये हम लोगों का काफी अथक प्रयास रहा कि सीईओ इंडिया में आ गए हैं क्योंकि ये प्रमोशन के लिए और भी कई देशों से डिमांड आ रहा था जिसमें बेतनाम काफी आगे था लेकिन हम लोगों का टॉप काउंसिल में मीटिंग हुआ उसमें हम लोगों ने काफी इस पे फोर्सली बोले क्योंकि इसमें हम लोगों को कई था पुराने कई लोगों के कई सवाल थे और डायरेक्ट मतलब कोविड काल के बाद सी ओ यहाँ नहीं आए थे तो हम लोग चाह रहे थे कि अगर यहाँ आ कर के फेस टू फेस मिले क्योंकि बड़ा कोई इवेंट भी नहीं हुआ था काफ़ी गैप की वजह से हम लोग चाह रहे हैं जो गैप हुआ कोविड की वजह से वो गैप ना रह करके फिर से पुनः मीटिंग हो सब चीज़ का जानकारी मिले सभी को और पुनः सभी लोग जो न्यू के मिशन है उस पर आए और सभी के सपने जुड़े हुए हैं इस कंपनी के साथ में तो बीच में कहना चाहिए कई चीज़ ऐसा हुआ जिसके वजह से कई लोगों के मन में कई सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे कि विलम्ब हुआ या फिर कई तरह से होता है लेकिन सारे सवाल के जवाब आप लोगों को मीटिंग में मिलेगा आप लोग अपने और अपने खुद आइए और अपनी टीम को भी लेकर आइए समय आप लोगों को पता ही है आप लोगों को साढ़े नौ से एंट्री होना शुरू हो जाएगा दो मार्च दो हजार बाईस का रहेगा और जितना ज्यादा लोगों को लेके आएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आप नए लोगों को लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी मिशन उनका क्लियर हो जाएगा इस कंपनी के प्रति और काम करने के प्रति तो काम तेजी से करेंगे और प्लस में पुराने कुछ सवाल होंगे उससे भी उनके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जिससे वो सेटिस्फाई होकर के इस कंपनी के मिशन विजन के साथ जुड़ सके और हम लोग देखिए अभी तक इसलिए टिके हुए हैं कई लोगों के मन में रहता है कि सर बहुत सारे कंपनियां आते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन आप कहीं दूसरे कंपनी में नहीं जाते हैं तो कुछ ऐसा नहीं करते हैं तो क्या ऐसा है तो देखिए हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ों को इवेंट में जा सीखे हैं और कई जगह हम लोग काफ़ी खर्चे कर कर के कई देशों पे जा करके सारे इवेंट को अटेंड किए हैं काफी लंबा इवेंट अटेंड किए हैं चार घंटा छः घंटा आठ घंटा बारह घंटा लगातार इवेंट इस तरीके से भी इवेंट अटेंड किए हैं तो बहुत चीज को सीख सीखे हैं तभी जा करके सारे चीज़ों को अब तक तो कंटिन्यू कर पा रहे हैं तो आप लोगों को भी अगर सारे चीज़ों को क्लियर करना है पूरे कंपनी के मिशन विजन और अपने काम के प्रति हर चीज़ों को आपको मीटिंग जरूर अटेंड करना चाहिए मीटिंग इंडिया में हो रहा है तो इससे अच्छा बात कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि इंडिया में ही आकर के इवेंट सीईओ कर रहे हैं और इंडिया में ही उपस्थित होकर के आप इवेंट में नहीं जाएंगे और आप बड़े स्तर में करना चाहते हैं तो वही हो गया कि सारा कोई मतलब अचीवमेंट ज्यादा अगर कुछ करना है तो वैसे लीडर सफल होते हैं जो हर जगह इवेंट अटेंड करते हैं उनको जानकारी होता है वही जानकारी टीम को बताते हैं तभी जाके सफल होते हैं तो सारी सफलता अगर चाहते हैं तो आप लोगों को इवेंट में जरूर आना चाहिए क्योंकि सबका सहयोग बहुत जरूरी है सब लोग मिल करके हम लोग इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और तभी जाके सबका सफल होगा केवल हम दो लोग अगर मीटिंग करते रहें और मीटिंग करने से सभी लोग वेट करते रहें कि कंपनी का डिविडेंड अच्छा आने लगे सीआरयू का रेट अच्छा हो जाए ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि सबका अगर सहयोग रहेगा तो जो एक कदम हम लोग चल रहे हैं सबके साथ मिल जाएंगे और एक बहुत बड़ा कदम हो जाएगा तो उससे सबका मिशन विजन बहुत जल्दी पूरा होगा कंपनी का भी होगा और हम सब का भी होगा जो सपने सबके जुड़े हुए हैं मैं यही चाहूंगा कम शब्दों में कि आप लोग दो तारीख का समय ना भूलें अगर समय से आ जाएं और आ करके यहीं पे सभी लोग मिलेंगे मैं ऑलरेडी दिल्ली में आ चुका हूँ और इवेंट की पूरी तैयारी कर रहे हैं और हम लोगों का दो दो तारीख का प्रोग्राम रायपुर में भी था लेकिन शिओ से इस पे बात हुआ लेकिन यहाँ का शेड्यूल और दिल्ली का शेड्यूल एक ही दिन बन रहा था वजह से इस बार के लिए दिल्ली का जो इवेंट है उसको कैंसिल कर रहे हैं फिर से नहीं नहीं दिल्ली का रायपुर का अरे नहीं नहीं रायपुर का सॉरी मैं थोड़ा सा रायपुर का इवेंट को कहना चाहिए कैंसिल कर दिए इस बार और दिल्ली कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि एक ही दिन हो गया था और इस पे हमारे जोस मैनुअल जी हैं वो वहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे सी रहते हैं तो हमारे जितने भी लीडर हैं जो मोस्टली हमारे साथ रहते हैं सभी लोग अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं सबका था कि सर हम लोग सी के साथ जब आए हैं तो हम लोग भी मिलना चाहेंगे और मीटिंग में उपस्थित एक ही जगह रहना चाहेंगे दिल्ली में और अगले बार हम लोग रखेंगे रायपुर में तो उसमें जो नहीं आ पाएंगे उसमें शामिल हो पाएंगे लेकिन उसका भी टाइम कोई फिक्स नहीं है और बाद में आप लोगों को अपडेट बता दिया जाएगा तभी आप लोगों के मात्र यही है कि दिल्ली का ऑप्शन है दिल्ली में आइए और सभी लोग मिलकर के इस इवेंट को सफल बनाते हैं क्योंकि समय बहुत कम है सभी लोगों तक जानकारी पहुंचाइए ताकि जो आने वाले हैं वो सभी लोग आ सकें और इवेंट को अटेंड कर सके तो इस इवेंट में हम लोग कहना चाहिए कि दिल्ली का काफी दिनों बाद इस तरीके से ऑफलाइन का इवेंट होगा तो बहुत ही अच्छा होगा सबका सहयोग अच्छा रहे और बस यही बोलना चाहूंगा और इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ हमारे रायपुर से बहुत ही बेहतरीन है शेड्यूल में तो नहीं थे बैनर पोस्टर में नहीं लगाए थे लेकिन हाँ यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर दो मिनट बोलना चाहता हूँ मैं भी इवेंट का पूरी तरीके से मतलब ये भी है और पूरी हम लोग मैनेजमेंट में लगे हुए हैं यहाँ पे इवेंट को आप लोग पूरी तरीके से फॉर्म भरिए ताकि हम लोग जान पाए कि कितने लोग आ रहे तो जी से से हमारे साथ हमेशा से हर एक मीटिंग में उपस्थित रहते हैं तो ये भी अपने दो शब्द तो रखना चाह रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि दो बिल्कुल, अर्जुन की जोड़ी है आप लोग आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है दिल्ली में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि ये कोरोना के बाद इतने गेप समय के बाद में ये प्रोग्राम हो रहा है और कंपनी के जो सी ओ है सर वो खुद यहाँ पे दिल्ली में आ रहे हैं आप लोगों से रूबरू होने मिलने के लिए तो ये एक बेहतरीन मौका है तो इस मौके को ना गवाएं और आपके मन में जो भी सवाल होंगे उसको आप डायरी पेन में नोट करके यहाँ पर उपस्थित हो और यहाँ पे आपका जो भी आ, है वो क्लियर करने के बाद इस कंपनी में फिर से एक बार काम करने का जबरदस्त मौका है तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप सभी लोग दो तारीख के प्रोग्राम को जरूर अटेंड करें इसी शुभकामना के साथ जय हिंद थैंक यू तो फ्रेंड्स मैं बस आ, एक मैं आपको और इम्पोर्टेंट जरा जी दोबारा बता दूं ये देखिए ये मैंने इस पे यहाँ पर आपको गूगल डॉक्यूमेंट का ये फॉर्म डाला है इसको जिन लोगों ने अभी भी नहीं भरा है इसे भर लीजिए क्योंकि और यहाँ से आपके पास हर ग्रुप में आपके पास ये फॉर्म ऑलरेडी पहुंच चुका है वहां से यहां से कॉपी नहीं हो पाएगा वहां से कॉपी करके आप लोग इसे भरिए ताकि मैनेजमेंट को पता लगे कितने लोग आ रहे हैं उस हिसाब से अरेंजमेंट किए जाए ठीक है ना तो एक बिल्कुल सही तरीका है जो तरीका हम लोग पहले जो है हम लोग नहीं कर पाते थे क्योंकि अब पहले हमें गूगल फॉर्म वगैरह की इतनी चीजों की जानकारी नहीं थी अब हमें लोगों को चीजें पता है तो पिछले ट्राफी टाइम से अपना ऑफलाइन इवेंट भी नहीं हुआ है तो ये इसको आप करिए और इसको भरके ही कंपनी को पता लगेगा ठीक है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये प्रोग्राम आज आपको कैसा लगा और आपको कैसी इंफॉर्मेशन मिली प्लीज अगर आपको अच्छा लगा प्रोग्राम तो आप प्लस टेन दीजिएगा टेन दीजिएगा और अगर आपको इसमें कमी लगी या आपको प्लानिंग में कमी लग रही है या कोई भी चीज है और अगर मेरे प्रेजेंटेशन में सही नहीं लगा है, तो आप उसी हिसाब से नाइन एट या सेवन या फाइव या जीरो वन जो भी आपको लगता है आप प्लीज दीजिएगा ये मुझे डायरेक्ट मैसेज मत कीजिए लोग हाँ इसे एवरी वन पे कर लीजिए हाँ जी हाँ जी तो मुझे डायरेक्ट मैसेज आते हैं ना तो उसमें नहीं आता है बिल्कुल तो इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मुझे पता लगता है कि मैं कहीं गलतियां तो नहीं कर रहा हूं या मेरा कहीं मतलब जो है आ, मतलब मुझे कहाँ सुधार की जरूरत है इससे मुझे पता लगता है तो थैंक यू सो मच थैंक यू रत्नाकर जी और फ्रेंड्स मैं फिर एक बार लास्ट बार मेरी आपसे अपील है कि प्रोग्राम में जरूर आइए देखिए मैं आपको बताता हूँ मणिपुर में हजार से पंद्रह सौ का प्रोग्राम था क्योंकि सब लोग ना एक ही एरिया में इम्फाल में मैं पहली बार गया बहुत ज्यादा बड़ा इम्पायर कैपिटल है वहां की बहुत ज्यादा बड़ा सिटी नहीं है सब लोग संगठित है तो वो लोग प्रोग्राम में हजार लोगों का उनका प्रदर्शन हुआ अभी कोयम्बर में शायद आज हजार से पंद्रह मेरी बात नहीं हुई अगर किसी को पता हो वहां पर कितने लोग हैं जरा मुझे चैट में लिख के बताएंगे सभी लोग सभी लोग चैट में लिख के बताएंगे कि कितने लोग वहां पर मौजूद थे कोयम्बे के प्रोग्राम में लेकिन चूंकि दिल्ली में एक तो कोविड रिस्ट्रिक्शन है ठीक है और दिल्ली से अः मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ध्रुव कुमार जी चूंकि मैं यूपी मुरादाबाद से हूँ ध्रुव कुमार जी रायपुर से है तो हमारी टीमें सब और और एरिया में दिल्ली में बहुत ज्यादा टीम नहीं है लेकिन चूंकि दिल्ली सेंट्रल है सर का प्रवास जो अभी जो अस्थायी प्रवास है वो अभी दिल्ली में ही है तो इसीलिए दिल्ली में मीटिंग रखी गई है ठीक है वरना बनारस में मेरे पास बहुत बड़ी टीम है ध्रुव सर की बहुत बड़ी टीम है हम लोग बनारस में रख सकते थे प्रोग्राम ठीक है और हम और जगह भी रख सकते थे लेकिन चूंकि अभी आंध्र सर यहां पर है तो केंद्र बिंदु दिल्ली है इसलिए दिल्ली को चुना गया है तो हर आदमी का मुझे मालूम है आ, एकदम आना एकदम संभव नहीं है और आ, जो है इस वजह से जो है आ, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस पे आपको चीजें बताई गई हैं हालांकि फिर भी चार दिन मेरे ख्याल से परसों हम लोगों ने ये बात पूरी सार्वजनिक कर दी थी uh, यानी हमारे पास चार से पांच दिन थे इस चीज को करने के लिए तो अभी भी हमारा जो प्रोग्राम है लाइक uh, like, uh, कल है अट्ठाईस तारीख परसों है एक तारीख हमारे पास पूरे पूरे दो दिन है आप लोग अपने रिजर्वेशन कराइए ठीक है जैसे भी आना है आपको अपने निजी वाहन से आना है जैसे भी आना है बस से आना है आप आइए और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाइए आपकी अपनी स्वयं की कंपनी है निजी कंपनी है आप इसके को ओनर है सह मालिक है आपका कर्तव्य है इस कंपनी के प्रति आना और लोगों को संगठित करके इस प्रोग्राम के बारे में बताना ठीक है तो 750 फिफ्टी प्लस आ, मैं समझा नहीं 750 प्लस देवेंद्र शैलेंद्र जी दे रहे हैं मुझे और राकेश कुमार सेवन हंड्रेड ये मैं समझा नहीं जरा मुझे बताएंगे क्यों थाउजेंड प्लस के लोगों का संख्या अच्छा कोयम के लोगों का साढ़े सात सौ प्लस हजार तक आ अच्छा 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 ओके ओके पता चलेगा वो बता दिया जाएगा एग्जैक्ट कितना है बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक है ना बाकी सर कोई मीटिंग कोई गाइडलाइंस नहीं है अगर कोई अपडेट नहीं है तो प्लीज एक्सप्लेन क्या मतलब आरजी क्रिप्टो सर मीटिंग में कोई गाइडलाइंस तो नहीं है अगर कोई अपडेट है तो प्लीज एक्सप्लेन हाँ कोई गाइडलाइन नहीं है बस आप ये जरूर लाइएगा ये सबसे बड़ा हथियार जो आप लोगों के पास है पूरी भारत सरकार ने हमें पकड़ा दिया है दुनिया ने पकड़ा दिया है ये हथियार अपने साथ जरूर रखिएगा इसके बिना दिल्ली में चलाई निकलिएगा भी मत चलान है आज भी है ना व्हीकल इसके बिना ड्राइव मत कीजिएगा इसके बिना चालान है हर जगह सार्वजनिक जगह पर आपको ये अपने साथ रखना है इसको जरूर लाइएगा बाकी कोई गाइडलाइन नहीं है सुबह आप आ जाइए अपने अपने ट्रेन से या जैसी भी रिजर्वेशन करके आ रहे हैं आ जाइए साढ़े नौ बजे हम लोग रजिस्ट्रेशन रखेंगे और बिलीव मी हाँ एक चीज और रजिस्ट्रेशन का कोई ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा कुछ नहीं है आपको हॉल में तक आना है बाहर काउंटर होगा आप वहां पर आएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ठीक है और आप प्रोग्राम में एंटर कर जाएंगे चाय और टी और मतलब कुकी से आप आप लोग वहाँ स्टार्टिंग रहेगा उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट होगा उसके बाद आफ्टरनून में लंच होगा और उसके बाद फिर से प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा और शाम को साढ़े पाँच बजे जो है आंध्रे सर जब सारी चीज बता चुके होंगे जब आप लोग पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाएंगे सब कुछ हो जाएगा उसके बाद आंध्रे सर इस प्रोग्राम को फिनिश ऑफ करेंगे और फिर टी और कुकीज आपकी रहेंगी ठीक है तो ये पूरा प्रोग्राम रहेगा और इस प्रोग्राम को आइए और सक्सेसफुल बनाइए ठीक है गूगल गूगल फॉर्म में लॉग इन क्या डालू जो आपका अपना यूजर नेम है वो लॉग इन है अगर गूगल फॉर्म से रिलेटेड किसी कोई कि सवाल हो प्लीज अभी पूछ लीजिए सतहत्तर साल अभी भी हैं गूगल फॉर्म में अगर किसी का कोई भी सवाल है तो पूछ लीजिए आपको लॉग इन आई डालनी है अगर आप किसी नए पार्टनर को लाना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए पहले है ना और वो रजिस्ट्रेशन आईडी डाल दीजिए और अगर वो रजिस्ट्रेशन डिटेल देने में ई मेल देने में मोबाइल नंबर देने में या वो सारी चीजें देने में अगर वो आनाकानी कर रहा है क्योंकि उसे लगता है ना आज यार, यार मुझे कहां रजिस्टर करा रहे हो क्योंकि इंडिया में तो लगता है ना क्योंकि हर आदमी पहले रजिस्ट्रेशन करा लेता है किसी भी कॉन्सेप्ट में तो आप उसे सिर्फ ले आइए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मत करिए क्योंकि गूगल फॉर्म में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि जिनका रजिस्ट्रेशन होगा वही आ पाएंगे ठीक है तो बिना रजिस्ट्रेशन के भी आप आ सकते हैं ठीक है तो ये हो गया और 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 कोई सवाल किसी का हो गुरप्रीत सिंह जी कुछ पूछना चाह रहे हैं मैंने उन्हें अनम्यूट किया है तो कोई सवाल किसी का हो गुरुपी जी बताइए अगर इस इवेंट से रिलेटेड कोई सवाल हो प्लीज वही पूछेगा जूम का पैकेज अभी आधे घंटे पहले अपग्रेड किया है पांच सौ लोग लिमिट करा लिया ठीक है ना और अब ये नहीं है कि आपको सौ के बाद यूट्यूब पर मेरे चैनल पर जाना पड़ेगा यूट्यूब लाइव देखने के लिए आप वेबिनार में आ सकते हैं ठीक है पांच लोगों का पैकेज मेरा पांच हजार रुपए महीने का मैंने फिर से जाना शुरू कर दिया है और आप वेबिनार आप लोग देख पाएंगे गुरुपी जी अपना सवाल पूछिए प्लीज हाँ जी नमस्कार सर जी सर ये मतलब की जो, जो मीटिंग हो रही है दो तारीख को इसका कोई लाइव भी मतलब की जो घर नहीं आ सकेंगे उनका भी कोई प्रबंध तो होगा अभी ऑफिशियली लाइव तो एज सच कोई वो नहीं है जो पार्टनर्स होते हैं सबके हाथ में मोबाइल है लोग फेसबुक लाइव चलाएंगे जैसे मणिपुर से लोगों ने फेसबुक लाइव चलाया और आज कोयम्बटूर से भी लोगों ने फेसबुक लाइव चलाया वो लाइव फेसबुक लाइव चल के आप लोग देख सकते हैं लेकिन वो क्लैरिटी नहीं आएगी ऐसे तो क्लैरिटी देखिए अगर आप प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो क्लोज मीटिंग ओपन मीटिंग आंधेसर की कितनी मीटिंग सब हम सुनते ही रहते हैं देखिए लेकिन ग्लैमर ग्लैमर किस चीज का है है ना मतलब लोगों को कसक किस चीज की है कि आंधेसर के पास जाएं हम लोग तो आंधे सर से हम लोग को, मुझे तो कई बार मौका मिला मिलने का आंधेसर से 2019 में भी मिला अभी भी मिला इंडिया से बाहर जितने भी टूर करे वहां भी मिला लेकिन हमारे यहाँ की बहुत बड़ी जनता है जिनको आंधे सर को साथ में रहने का इस हंड्रेड आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी के साथ आप मिल रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है ठीक है ना तो आप आंधे सर को अगर लाइव एक्सपीरियंस करना है आप उनके साथ मिलना चाहते हैं बैठना चाहते हैं हाथ मिलाना चाहते हैं फोटोग्राफ लेना चाहते हैं बहुत लोगों की इच्छा है कि हमारे कंपनी के सीएम उनके साथ बैठे ठीक है ना तो आप लोगों को दिल्ली आना पड़ेगा ठीक है तो हम ये? तो आएंगे हम तो काफी यानी कि एक्साइटेड थे हम तो आएंगे और टीम के लिए कुछ के लिए बात करते चलो ठीक है ऐसा ही ठीक है और दूसरा मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ देखो सर हम सभी लोग बोलते हैं कि हमें कुछ करना पड़ेगा कम्युनिटी है कुछ अच्छा हो रहा है बट जहाँ क्वेश्चन आता है कि हम लोग टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे वहां भी कम्युनिटी नहीं कट्ठे कर पा रहे हैं तो मैं सभी दोस्तों करूँगा ये हम सबने मिल के ये प्रयास करने हैं तो कम से कम टेलीग्राम जैसे ऐसे चैनलों पर तो हम कम्युनिटी इकट्ठा करें ना वहां भी मैं देख रहा हूँ चालीस पैंतालीस से ऊपर हम जा ही नहीं रहे हैं पाँच छह लाख हम लोग बोल रहे हैं कि पांच छह लाख की कम्युनिटी है हमारी इंडिया की बट हम वहां टेलीग्राम पे चालीस पचास हजार भी इकट्ठे हो पा रहे तो ये सभी को एफर्ट लगाने पड़ेंगे अगर वेट करने के बजाय शिकायतें करने के बजाय हम लोग कुछ ना कुछ जो हम कर सकते हैं यार वो तो करना शुरू करो कम से कम जिसकी वजह से प्राइस वगैरह बढ़ना शुरू हो ओके दोस्तों नमस्कार थैंक यू कृपी जी बहुत बिल्कुल सही बात कही और बहुत एक अच्छा मैसेज आपने दिया कि टेलीग्राम पे ट्विटर पे कंपनी के देखिए मैं आपको बताऊं एक चैनल नहीं है फ्रेंड्स एक चैनल नहीं है बहुत सारे चैनल्स हैं

तीन चार रुपए का सीआरू चालीस रुपए का हो जाए चार सौ रुपए का हो जाए तो ये कोई कमाल नहीं होगा सर ऐसा नहीं है कि सारे प्रोजेक्ट को बंद करते हैं उन सब प्रोजेक्ट को को बेच के आप लोगों को यहां पर जो है वो पैसा झोंक दें और सीआरू का प्राइस बढ़ जाए नहीं हमारे आपको बढ़ाना है और वो होगा जब हमारी कम्युनिटी विश्व पटल पर चमकेगी और वो चमकेगी टेलीग्राम से और ट्विटर से इन सब चीजों से एक्सचेंज वाले भी लपकेंगे बहुत सारी चीजें ठीक है चलिए तो लोगों का मेंटल ब्लॉकेज है धीरे धीरे हाँ बिल्कुल ठीक है मैम बिल्कुल ठीक है आपने रमेश सर बिल्कुल सही कहा आपने ठीक है और जो मीटिंग पर डे होना चाहिए सर ये बड़ा टिपिकल होता है आप बिलीव नहीं करेंगे मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था हेरी सर हमारे थे अभी वो हमारे साथ अभी सिस्टम में साथ में नहीं है मतलब कहीं और लगे हुए हैं कहीं और बिजी हैं हर एक के देखिए अपनी पर्सनल लाइफ है मुझसे सवाल भी पूछा था तो मैंने कहा मैं बोल तो हर एक की अपनी पर्सनल लाइफ है हम उनको किसी को बाध्य नहीं कर सकते तो पहले तो उनको ना बहुत एक्सपीरियंस था उन्होंने बहुत सारे इवेंट मैनेज किए थे दिल्ली रायपुर यहाँ वहां हर जगह उन्होंने घूम के मेरे मेरे हम लोग और दुर्स्त सर को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस और हमारे पास जो लोकल काउंसिल है सारे हम लोग बिल्कुल नए तो हमारे पास कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन उसके लिए फिर हम लोग तब भी प्रयास कर रहे हैं ठीक है ना हमारा पहला है इसलिए मैं सभी

जो है मनोहर चौहान जी है वेरी इंपॉर्टेंट रोल मनोहर चौहान जी अगर हो तो प्लीज हैंड रेस कीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट रोल बहुत एक्टिव लीडर और लोकल काउंसिल बहुत अच्छा काम मनोहर चौहान जी कर रहे हैं वो है हमारे साथ रमेश सर आ जाएंगे रमेश सर हमलाओं के जो है मतलब जो सबसे ऊपर टॉप पे बैठे हुए हैं ठीक है रमेश सर जो है आ जाएंगे तो रमेश सर भी हमारे साथ मौजूद होंगे और सारे लोकल काउंसिल डोरिया जी आ रहे हैं हंसराज जी आ रहे हैं बहुत सारे लोग हमारे लिए हेल्प करने के लिए आ जाएंगे तो ये सारे लोग हमारे साथ होंगे हेल्प करने के लिए तो अगर प्रोग्राम में कोई टुटकी हो तो प्लीज इसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ मनोहर जी भी हैं पर उन्होंने हैंड रेस किया हमारे लोकल काउंसिल नमस्कार अभी थोड़ा सा ड्राइव कर रहा था आ, इसलिए मैं आप आ, कुछ इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा था मैं अपनी में खड़ी करी है फंक्शन थाजरीवाल साहब के साथ मैं एक एक ही चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी भाई लोगों से जैसा अभी जो भाई साहब ने अभी इंफॉर्मेशन दिया कि हमें सबको रोल प्ले करना पड़ेगा ये 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 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सब लोग रोल प्ले करें आ, ट्यूटर पे टेलीग्राम पे और हम कोशिश कर रहे हैं सबको अवेयर करने की कि क्या इन चीज के एडवांटेजेस है चलो ये बातें तो होते रहेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जैसा कि अभी अतुल सर ने ध्रुव सर ने सभी ने बताया कि मणिपुर का बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और उनके पास टाइम भी था कॉम्पैक एरिया था और मैनेज कर दिया है उन लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया आज कोयम टूर का प्रोग्राम भी था बहुत अच्छा रहा अब हमारी बारी है क्योंकि हमें भी अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा देखिए किसी भी फील्ड में हम काम करते हैं तो वी हैव टू प्रूफ अवर सेल्फ सभी लोगों को और ये हमारा सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल टर्न डाउन जब हम किसी प्रोग्राम में जाएंगे तभी कुछ सीख पाएंगे और आ, हमारे से किसी भी प्रकार की आपको किसी भी प्रकार सपोर्ट चाहिए होगा वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू पीपल आउट और हम तो खैर आई एम नॉट एग लीडर बट यस बट आई एम हंड्रेड परसेंट डेवोटेड की आई वॉन्ट आवर एवरेज कॉम्युनिटी शुड ग्रो एंड इट इज पॉसिबल हमारा सब लोगों का एफर्ट से ही पॉसिबल है तो प्लीज ज्वाइन हैंड्स टूगेदर एंड किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है हर चीज का समाधान है सर जो हुआ है वो हो गया है आगे हमें पॉजिटिव होके अच्छा करना है दैट्स ऑल आई वांट टू थैंक कहीं भी आप लोगों को किसी भी प्रकार का सपोर्ट चाहिए होगा तो आप हमारे फॉर आवर हेल्प आवर कम्युनिटी एंड हेल्प आवर सेल्फ बेसिकली हमारा अपना स्वार्थ है हमारी कंपनी ग्रोथ करेगी तो ही हम ग्रोथ कर पाएंगे थैंक यू सो मच सर थैंक यू आपने मुझे समय दिया थैंक यू सो मच सर थैंक यू थैंक यू मनोहर जी और रत्नागर जी बस एक बार रत्नागर जी से और बात को मैं करना चाहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है रत्नागर जी ने योगदान योगदान फाउंडेशन के जो हमारी एक नोड है इंडिया की नोड है एक पंडित राजन सर ने नोड डेवलप कराई है और एक रत्नागर जी ने कराई है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है है ना और बहुत बड़े लोगों को साथ लेके चल रहे हैं मैं रत्नागर जी से जरूर कहूंगा कि वो उन्होंने हैंड भी रेस किया था और वो जरा एक बार जरा बात करें प्लीज रत्नाकर जी आप हा, हा, रहे हैं। वीडियो रहे हैं। वीडियो नहीं है दिख रहा है दिख रहा है कंटिन्यू करिए दिख रहा है ना यस सो गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल सर वी आर ऑलवेज विथ यू सबका हम लोग हैं। आई थिंक आज भी मैं प्रोग्राम किया था उड़िया लैंग्वेज में सो so, सबको भी बोला है मैं तो आपको भी पर्सनल मैसेज किया था कि दिल्ली मेरा आने का बहुत प्लान था बट ड्यू टू पर्सनल कुछ फैमिली का फंक्शन है जैसा कि शिवरात्रि है उड़ीसा में एक बहुत बड़ा पर्व होता है इसलिए मेरा प्लान कैंसल है बाकी मेरा तो बहुत इच्छा था एंडर सर को मिलने के लिए इसलिए हम लोग प्लान करा था कि रायपुर में आने से थोड़ा सा उड़ीसा का नजदीक है हम लोग बस हंड्रेड टू लोगों का भी प्लानिंग था बाकी तो टाइम शेड्यूल थोड़ा इधर उधर हो गया नो प्रॉब्लम सो हम लोग को जैसे कि टेक्निकल चीजेस और चीजेस में काम करेंगे नो no प्रॉब्लम सर जो भी डाउट्स है लोगों का और कुछ जो भी है मिलके करेंगे कम्युनिटी को डेवलप करेंगे नो प्रॉब्लम एंड सबको रिक्वेस्ट है मैं तो एवरी मीटिंग में यही बोलता हूँ कि जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल्स है जैसे कि आप लोगों ने बोला है सर सो so, क्रिप्टो क्रिप्टोनिटी चैनल डब्ल्यू का भी चैनल इवोसेंट का चैनल सब सब लोग चैनल में ज्वाइन कीजिए एंड जैसे कार्ल ने बोले है वहां पे हम लोग को एक प्रोफेशनल वे में बिहेवियर करना चाहिए जाके जैसे कि हम लोग कोई उल्टा सीधा ना बोले जो कि आउटसाइड कम्युनिटी को उसका फायदा और वो सो नेगेटिव बात जो हम लोग एक प्रोफेशनल वे में हम लोग जाते हैं तो एक प्रोफेशनल तरीके से राइटिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा मेरा ख्याल यही है और कुछ नहीं थैंक यू फ्रेंड्स so uh, बिल्कुल सही कहा आपने और uh, एक चीज और बस लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दिया है आपको इस लिंक को फॉलो करके अपने अपने ग्रुप्स में प्रमोट कर दीजिए हमारी कंपनी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसी से बूंद बूंद करके सागर भरता है मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन कर रखा होगा टेलीग्राम अगर कुछ भी रह गया है तो यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर लीजिए शायद यहाँ से कॉपी नहीं होगा तो मैं दोबारा से ग्रुप्स में डाल दूंगा और उसको लाइए अगर आप लोगों ने ये बात पहुंच रही और आप समझ रहे हैं सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस एक्सचेंज हमारे पास तभी लगते जब हम लोग टेलीग्राम पे हमारी ताकत दिखेगी तो इस लिंक को बहुत ज्यादा प्रमोट कीजिए और उस पर लिंक पाइए ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टूडे और प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेडली हमेशा से लंबा हो जाता है साढ़े नौ साढ़े ग्यारह दो घंटे पौने दो घंटे डेढ़ घंटे का प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुका है ठीक है तो अच्छा uh, uh, मैम का एक अभी मैसेज आया है लाइक कितने लोग दिल्ली आ रहे हैं प्लीज पुट वन हाँ आप लोगों में से कितने लोग दिल्ली आ रहे हैं प्लीज पुट वन दिल्ली आप में से कितने लोग अभी एग्जिस्टिंग लोग आ रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ओनली फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन मैं मैं भी देता हूं, मैं तो 18, 19, 20, चलिए इन में से क्योंकि तो सारे लोग मैं समझता हूं ऑल ओवर इंडिया से हैं आना भी चाहेंगे तो नहीं आ पाते हैं अनिल जी वाई पीपल आर डिक्रीजिंग इन टेलीग्राम ग्रुप अरे सर ये तो कोई बात ही नहीं है ना देखिए ये आप ये 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 पूछने से अच्छा ना आप अगर ये सोचिए क्या रोल है, है? को, को है सारे लीडर्स कह रहे हैं आपको भी तो रोल निभाना है ना आप ये सवाल यहां पर कम्युनिटी से पूछने की बजाय हम लोगों से मेरे पास क्या जवाब है ना तो मैं टेलीग्राम का कोई ओनर हूं या ना मैं कंपनी चला रहा हूं ना मैं कुछ मैं आपकी तरह पार्टनर हूं कंपनी के अंदर तो आपका रोल होना चाहिए कि अपनी कम्युनिटी में ज्यादा जितने भी टीम है सबको कराइए एक एक को, को फोन करिए अगर आप कम्युनिटी को कुछ करना चाहते हैं एक एक व्यक्ति को फोन करिए पर्सनली कॉल करिए हाँ भाई क्या हुआ अब तक टेलीग्राम क्यों नहीं ज्वाइन किया वाला चैनल क्यों नहीं ज्वाइन किया एवोसेंट का चैनल क्यों नहीं ज्वाइन किया क्योंकि ये सब करेंगे एक्टिविटी तभी तो तभी तो टेलीग्राम डेवलप होगा हम लोग शिकायत करने के बजाय ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा हम भी तो देखें हम लोगों ने क्या इनपुट दिया अभी तक ठीक है ना अनिल कुमार जी आई एटेड वेरी गुड ठीक है ना 360 पीपल वेरी गुड वेरी गुड तो ये ना, ये ना सभी लोगों को अपनी कोशिश करनी पड़ेगी तो ये सवाल यहाँ पूछने से अच्छा यहाँ का कोई जवाब नहीं है, तो किसी, किसी है। तो तो आपके ऊपर है ना हमें क्या करना है ठीक है चलिए तो दैट्स ऑल फॉर टू मीटिंग कल भी एक दिन अगर आप चाहेंगे तो एक मीटिंग हम दोबारा कर लेंगे कल मीटिंग चाहते हैं दोबारा वैसे तो रात में मैं फ्री हूंगा मैं कर सकता हूं अगर आप कहेंगे तो अगर आप चिखाएंगे तो कल एक मीटिंग कर लेंगे बताइए प्लस आ, मीटिंग का यस दे दीजिए यस लिख के दे दीजिए अगर मीटिंग चाहते हैं तो यस दे दीजिए नहीं तो फिर हम लोग दो तारीख के बाद ही करेंगे एक दो दो लोग कह रहे हैं तीन चार पाँच छह सात आठ नौ सब लोग चाह रहे हैं दोबारा मीटिंग मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है बोलने के लिए <laughs> जो था सब बोल दिया मैंने आप लोगों के सामने आज ठीक है दोबारा कोई टॉपिक नहीं है बोलने के लिए लेकिन आप लोग चाहेंगे तो मैं दोबारा जरूर आऊंगा ठीक है ना कल कोशिश करेंगे बिल्कुल सुनाने की ठीक है चलिए Thank you. Thank you. Thanks for the day. Thanks for your.